हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीताज किचन। आज हम ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये कोकोनट बर्फी की रेसिपी है। तो कोकोनट बर्फी की रेसिपी आप चाहे तो ये प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं, और आप अगर चाहे तो इसको जब भी कभी आपका मन हो कुछ अच्छा खाने का तो आप बना के इसको खा सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने सामग्री ली है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोकोनट लिया है, ड्राई कोकोनट है फ्रेंड्स, और ये ड्राई कोकोनट इजीली मार्केट में मिल जाएगा आपको। और ये मैंने चीनी ली हुई है यहाँ पे, आप अपने पसंद टेस्ट के अकॉर्डिंग या चीनी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ इलायची के दाने लिए हैं मैंने यहाँ, तो इलायची के दानों की जगह आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने 1 कप यहाँ पे दूध लिया है, तो कप का दूध मैंने 1 कटोरी में डाले हैं, मतलब 1 कटोरी दूध है यहाँ पे। और ये आधी कटोरी यहाँ पे, मतलब 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ये मिल्क पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे देसी घी लिया था, वो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे इसमें डाल लिया है। बाकी आप देख लीजिए कम ज़्यादा कितना करना है आप अपने हिसाब से। अब हम इसको नारियल को भूनेंगे इसमें, और ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्लो फ्लेम रहना चाहिए यहाँ पे। स्लो फ्लेम पे ही आप अच्छे से इसको भूनें, और इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए फ्रेंड्स। जस्ट 1 मिनट के लिए आपको इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे भूनना है। इसमें खुशबू आने लगेगी और आपका ये कोकोनट भून के तैयार हो जाएगा। और इसका अगर कलर चेंज हो गया फ्रेंड्स तो मतलब खाने में तो टेस्टी लगेगी, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं लगेगी, पर लुक्स वाइज देखने में ये थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। तो आप ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पे 1 मिनट तक आपको पकाना है। तो ये हमारा कोकोनट भुन चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो मैंने नारियल निकाल लिया। सेम पैन में मैं यहाँ पे फ्रेंड्स जस्ट थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी, एंड 4-5 टेबल स्पून पानी हमने ऐड करना, और हम इसमें शुगर डाल देंगे। आपको मीठी कितनी रखनी है ये बर्फी वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इसमें से भी बचा रही हूँ, मुझे बहुत कम मीठी बनानी है, तो आप मीठे का अपना कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको हम क्योंकि इसमें हमें कोई चाशनी ज़्यादा नहीं बनानी है, बस एक तार की चाशनी आने तक हमें, एक तार की चाशनी भी नहीं बनानी है, बस हमें इस तरीके से घोलना है इसको अच्छी तरीके से। और ये एक तार की चाशनी आने से पहले ही हमें इसको फ्लेम को बंद कर लेना है गैस को। एक तार की चाशनी भी नहीं बनानी है, तो क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। और अब हम इसको जैसे ये घुल जाएगा हम इसमें दूध ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीनी हमारी घुल चुकी है, आप देख सकते हैं एक तार की कंसिस्टेंसी पे ये आ चुकी है, बट एक तार की चाशनी मैंने नहीं बनाई, आप चाहे तो बना सकते हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये दूध से क्या होगा ना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये दूध भी मैं हाफ क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप यहाँ पे अगर दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पानी की ही चाशनी आप बना लीजिए चीनी और पानी से, तो वो भी आप यूज़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दूध, ये जो चीनी और दूध का मैंने ये मिक्सचर बनाया। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इलायची आप साबुत भी कूट के भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये मिल्क और ये शुगर का ये हमने जो लिक्विड बनाया था ये मेरा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा हमारा चीनी और दूध का ये लिक्विड जो हमने बनाया। तो अब हम इसमें, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब आप शुगर सिरप बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि शुगर सिरप जब आप बना रहे उसी समय आप दूध डाल दिया, ऐसा नहीं है, अलग अलग से बनाइएगा। जिस तरीके से प्रोसीजर दिखा रही हूँ वीडियो में आप उसी तरीके से फॉलो करिएगा, तो तब आपके ज़्यादा अच्छी बर्फी बनेगी। ये अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो हमारा जो ये मिल्क पाउडर है हम ये यूज़ करेंगे, ये डाल देंगे सारा। और गैस का जब हम मिक्स करेंगे इसका, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ये मिक्सचर हमारा ख़राब नहीं होने पाए, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो
ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। ये अब हमारा जो बचा हुआ घी है हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं स्किप करना चाहें स्किप कर दीजिए। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा ये पैन गरम है इसी में हम ये इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और आपको जिस थाली या जिस बर्तन में इसको जमाना है, ट्रे वगैरह में या थाली प्लेट में, जिसमें भी, तो उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए घी से। उससे क्या होगा, अच्छे से आपकी जम जाएगी बर्फी। ये हो गया। अब हम इसको, ये जो मैंने इस बार हम ये थाली में जमाएंगे, ट्रे में नहीं जमाएंगे फ्रेंड्स। तो हमने ये थाली ग्रीस कर ली है, अब हम इसमें ये कोकोनट का मिक्सचर है ये डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने कोकोनट का मिक्सचर जो है इस तरीके से थाली में डाल लिया, और इसको इस तरीके से फ्लैट कर दीजिएगा, बिल्कुल इक्वली एक शेप में आप इसको फैला दीजिए। इसको फैला लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से थाली में फैला लिया है, और आप ट्रे में फैलाना चाहे ट्रे में फैला लीजिए। अब इसको हम बाहर छोड़ देंगे इसी तरीके से आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। ये आप चाहे फ्रिज में रख सकते हैं इसको, मैं बाहर इसी तरीके से छोड़ रही हूँ। इसको सेट हो जाएगी, हम इसके पीसेस कट करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है बनाने में, और मतलब अच्छी भी लगती है खाने में भी। और आप अगर चाहे, देखिए किसी भी त्यौहार पे इसको आप बना के खा सकते हैं, या फिर आपने कोई व्रत वगैरह रखा है तो प्रसाद के भोग के लिए भी इसको आप बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान है घर में, और फ्रेश आप बना के खाइए। तो इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसको, ये मैंने थोड़ा सा केसर भिगोया है, इससे हम गार्निश करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी बर्फी जम के रेडी हो चुकी है। आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा जल्दी ये रेडी करनी है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं इसके पीसेस करके दिखाती हूँ आपको। आप पीसेस अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं, आपको बड़े काटने छोटे काटने हैं किस तरीके से आप अपने हिसाब से काट लीजिए। और प्रसाद के भोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। ये इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखिए इसको, और फिर फीडबैक आप दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है हमारी रेसिपी। इजीली निकल जाएगा आराम से, देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हो इस तरीके से। आप किसी ट्रे या प्लेट में आप मनपसंद जो भी आपको पसंद हो उसमें आप जमा लीजिए। इस तरीके से मैं सारे पीसेस निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं इस तरीके से, और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सच में ये बहुत अच्छी बनती है बर्फी, और जिस तरीके से ये प्रोसीजर दिखाया आप उसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो करिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा केसर वाले दूध से जो हमने भिगोया इससे थोड़ा सा गार्निश करेंगे, इससे क्या है ना कलर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड ये खाने में तो है ही ये इतनी यम्मी कि आप जब बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी है। तो आप इस तरीके से इसको बनाइए, मैं गार्निश कर देती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स ये हमारी केसर कोकोनट बर्फी बन के तैयार हो गई है, और बहुत ही इजीली और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होती है। और मैं इसका एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है अंदर से। ऐसा नहीं है कि आप बनाए और बहुत हार्ड हो गई है, इतनी सॉफ्ट है। तो आप कभी इसको एक बार अगर आप मुंह में रखें घुल जाएगी बिल्कुल, ये बहुत सॉफ्ट है ये देखिए इस तरीके से। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड अगर आपको ये मेरी रेसिपी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा। और आप ये किसी भी त्यौहार पे और किसी भी व्रत में आप ये प्रसाद के भोग के लिए बना सकते हैं और खा सकते हैं। और यूज़फुल लगे तो दूसरों में भी शेयर करिए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स आए हैं पहली बार मेरे चैनल पर, उनको थैंक यू सो मच। आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।